हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई अपडेट है HSSC की। जैसे कि मैंने बताया था, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई थी। बच्चों, जिस बच्चे ने एक बार वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए। अब जो CET था बच्चों, वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए था। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कैसे एग्जाम होगा, उसकी जानकारी हमने उस वीडियो में आपको दी है। अब देखिए, एक नई अपडेट है CET की। CET के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, चलिए हम देखते हैं। उसने बोला है कि हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए CET नंबरों में जोड़ेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो पहले क्या होता था, पहले बच्चों हम CET देते थे, जैसे CET देते थे कि अभी CET होगा, CET के बाद जुड़ते थे बच्चों, जो हमारा रिजल्ट आता था। जैसे हमारा होता था 90+10, मतलब 90 में 10 नंबर हमारे जुड़ जाते थे। बट अब क्या है, अब इन 90 के अंदर ही जुड़ेंगे। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। उसने क्या बताया है कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर अब CET में जुड़ेंगे। CET में जुड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो उसके बाद जो स्कोर बनेगा, उसी के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भरे जाने वाले पदों के लिए कैटेगरी के अनुसार मेरिट बनाएगा। पहले क्या होता था बच्चों, चलिए हम इस चीज को समझते हैं। पहले बच्चों हमारा CET का एग्जाम होता था, उसके बाद हमारा स्कोर आ गया, जो भी हमारा 80 स्कोर आ गया, उसमें हमारे 10 नंबर में से जो भी हमारे नंबर आते थे वे जुड़ते थे, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब जब हम CET को फिल करेंगे, उससे पहले हमारे ऐड हो जाएंगे। जैसे सपोज हमारा CET में स्कोर आया 70, अब 70 के अकॉर्डिंग नंबर जुड़ेंगे। 70 में कितने परसेंटेज का हिसाब होगा, चलिए हम उस चीज को भी देखते हैं। इससे मेरिट के आधार पर आयोग उन युवाओं के पदों के लिए विकल्प देने के लिए कहेगा। मतलब क्या हुआ, CET का आपका एग्जाम हुआ, उसमें आपके मार्क्स ऐड हो गए, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आपसे बोलेगा कि भाई आप अपने ये बताओ विकल्प, हमको ये बताओ कहाँ कहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आपको क्या होगा, वहां से लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद आप उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बताया गया है, चलिए स्कोर एक बार और देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसने बताया कि अभी तक सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक एक मुश्त 10 मिलते थे, मगर अब ये CET में मिले नंबरों के अनुसार प्रतिशत आधार पर मिलेंगे। मतलब पहले क्या होता था बच्चों, जैसे हमारा एग्जाम हुआ 90 नंबर का, 100 जैसे हरियाणा पुलिस को लीव करके छोड़ के हमारा जो एग्जाम था वो किसका होता था, हरियाणा में 90 नंबर का, प्लस 10 नंबर हमको जो मानदंड थे उसके मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चों जैसे आपका 10 में से आपको 10 ही मिल जाते थे भाई, कि कौन कौन सी क्राइटेरिया था, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिए गए हैं। बट अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चों कि आपके 90 मार्क्स आए, उसमें परसेंटेज के हिसाब से होगा। मान लो 90 नंबर का पेपर है आपका, उसमें से आपको 70 नंबर आए, ठीक है, 70 मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुए, उसमें से परसेंटेज हिसाब होगा। भाई ग्रुप डी के लिए हमारी परसेंटेज कितनी है, अभी बताऊंगा बच्चों। ग्रुप सी के लिए हमारी परसेंटेज कितनी है, जैसे कि अभी ग्रुप डी के लिए 10% है, तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे बच्चों 10 में से। लेकिन पहले क्या होता था, 10 नंबर थे तो 10 में से आपको 10 मिलते थे, ठीक है। अभी यहां पे क्लियर है, देखते हैं। ये एक अच्छा सुझाव है बच्चों, उन्होंने बोला है कि मगर अब ये नंबर अनुसार प्रतिशत आधार पर मिलेंगे। ग्रुप डी के लिए 10% और ग्रुप सी के लिए, चलिए बच्चों हम अगला देखते हैं, ग्रुप सी के लिए डी के लिए बच्चों 5% अंक मिलेंगे। समझ में आया, जैसे कि भाई किसी कैंडिडेट के मार्क्स 50 नंबर आए भाई, ठीक है, उसमें से यदि उसने ग्रुप सी का एग्जाम फिल किया तो उसको 10% मार्क्स मिल गए, मतलब उसको 5 नंबर मिल गए भाई 10 में से। ऐसे ही यदि ग्रुप
मान लो 50 नंबर ही आए और उसने ग्रुप डी के लिए फिल किया था, उसको 5% अंक मिलेंगे, 5 × 5 = 10, इससे मतलब 2.5 नंबर उसको मिल जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये उन्होंने बताया है कि एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि पहले ये अंक लिखित परीक्षा में आए, अंकों के आधार पर आयोग इन जिन्हें दस्तावेज जांच के लिए बुलाता था और दस्तावेज से ही पाए जाते थे, तब ये अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़कर चयन सूची बनाई जाती थी। पहले ऐसा ही होता था बच्चों, लेकिन मगर अब ये अंक आयोग की लिखित परीक्षा से पहले मिल जाएंगे आपको, कि मतलब लिखित परीक्षा हुई और ये सीईटी में जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सभी के लिए जरूरी हो गया है। जिसने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी हासिल करनी है उसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, इसके लिए रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई थी, एक बार आप वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही वो सीईटी में प्रवेश कर पाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे इस बार एक बार और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें और बताई गई हैं। इसने बताया कि इस बार प्रतिशत के आधार पर नंबर जुड़ेंगे, पहले सीधे 10 अंक जुड़ते थे। ठीक है बच्चों, फायदा हुआ है ना कि भाई पहले तो आपको लग गया कि 10 नंबर जुड़ गए, लेकिन अब क्या है इसका, जैसे ग्रुप सी के लिए है तो उसका 10% मार्क्स का जुड़ेगा, ग्रुप डी के लिए है तो उसका 5% जुड़ेगा। ऐसे मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन बताकर स्थगित कर दिया गया है यह प्रस्ताव, संशोधन बना दिया है, सभी के लिए जरूरी हो गया जैसे कि हमने अभी देखा है बच्चों। ठीक है जी, अब यहाँ पे यहाँ पे मंत्रिमंडल में संशोधन बताकर ये इस तरीके से प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे एक सूचना और है कि भाई यह है सामाजिक आर्थिक मानदंड। अब सामाजिक आर्थिक मानदंड है किसको भाई, हमारे ये जो नंबर है तो प्रतिशत के आधार पर है, पहले हमारे 10 नंबर मिलते थे, अब ये किस किस को मिलेंगे भाई। ये भी चीज होती है कि सर हमको ये नहीं पता लगता कि मेरे 2 नंबर मिलेंगे जैसे पहले या 5 नंबर मिलेंगे, या हम सामाजिक आर्थिक मानदंड में आते हैं या नहीं है। चलिए हम उसको भी एक बार क्लियर करते हैं। उसने बोला कि अगर उम्मीदवार विधवा है, यदि विधवा है तो देखिए बच्चों इसमें से कुछ नंबर 6 नंबर दिए गए हैं, इनमें से यदि कुछ भी है तो उसके लिए एप्लीकेबल है कि अगर उम्मीदवार के पिता की मौत 42 साल की उम्र से पहले हो गई हो। नेक्स्ट है अगर उम्मीदवार की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले पिता की मौत हो गई है। नेक्स्ट है अगर उम्मीदवार पिता माता पत्नी पति भाई पुत्र सरकारी नौकरी में नहीं है, एक हिसाब से जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। अगर उम्मीदवार विमुक्त जाति टपरिवास श्रेणी में है, ठीक है जी। नेक्स्ट है अगर उम्मीदवार ने हरियाणा के किसी सरकारी संस्थान में ऐसी तौर पर सरकारी नौकरी की है। तो ये बच्चों हमारे 6 चीजें दी गई, इन में से कोई भी चीजें हैं तो आप सामाजिक आर्थिक मानदंड बनवा सकते हैं, मतलब सामाजिक आर्थिक बनवा क्या सकते हैं, उसमें 10 नंबर है, पहले 10 नंबर होते थे, प्रतिशत के आधार पर हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक जानकारी हो रहा जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि आर्ट एंड क्राफ्ट के उम्मीदवार फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें। भाई जो ड्राइंग के टीचर थे, जो भर्ती हमारी पहले निकली हुई थी, उनका एग्जाम है बच्चों अब 31 जनवरी 2021 को, उससे पहले आपको बताया गया कि 22 अभी यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि 22 से 25 जनवरी तक लिंक पर 22 से 25 जनवरी तक आपको अपने फोटो जो हमारे लेटेस्ट हैं और हमारे सिग्नेचर वो आपको अपलोड करने हैं बच्चों, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। तो बच्चों आज ये हमारी एक नई सूचना थी सीईटी के रिगार्डिंग। भाई सीईटी क्या होता है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी के लिए भाई सर मानदंड है, सामाजिक आर्थिक मानदंड है, वो कैसे पहले कैसे अप्लीकेबल होते थे, अब कैसे होंगे, कैसे कैसे आपको छूट मिलेगी, ठीक है, और ये कौन कौन सी ग्रुप के लिए नौकरी के लिए आपका अप्लीकेबल है, जैसे ग्रुप सी की नौकरी के लिए और ग्रुप डी की नौकरी के लिए, अब यहाँ पे कितने प्रतिशत अंक रखे गए हैं। तो बच्चों ये आपकी एक नई जानकारी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। इस तरीके की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।